हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबीआई यूट्यूब क्लास में। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन क्लास 10th की मैथ की बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर है 7, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, आप बस ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो यहाँ पर ये डाटा हमें दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक सर्किल है, ऐसे कोई एक सर्किल है, ठीक है। इसका मान लीजिए सेंटर है ये, और यहां से एक डायमीटर गया हुआ है ए बी, जिसका कोई पॉइंट पी है, सेंटर जो है वो पी है। अब एक बात मैं अगर आपको बताऊं यहां पर, तो ये जो पी है, अगर सेंटर है तो डायमीटर के बिल्कुल मिड में होगा। इसका मतलब यहां पर जो है मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी। तो मैं बता देता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो यहां पर होगा x, y इज इक्वल टू x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, जहां पर एक एक कोऑर्डिनेट होंगे, x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, और पी का कोऑर्डिनेट होगा x, y, ठीक है। तो यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो पी का है। ओके, तो यहां से हम जब कंपेयर करेंगे एक्स को इस एक्स के साथ, तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू x1 + x2 / 2 एंड y इज इक्वल टू मिलेगा y1 + y2 / 2, ठीक है। तो इतना आप राइट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमसे जो एक के पॉइंट हैं वो पूछे गए हैं, तो पूछे गए हैं वो x1 और y1 मान लिए जाएंगे, और फिर यहाँ पर जो सेंटर है वो दिया गया है 2, -3, तो सेंटर में पी है, तो पी के जो पॉइंट हो गए 2, -3 हो गया। बी का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1, 4। तो अब हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ एक्स और वाई राइट करूंगा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1, y1, देन, तो यहां पर एक्स का जो फार्मूला होगा x1 + x2 / 2। देखो x की वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 2, x1 की वैल्यू x1 ही रहेगा क्योंकि वो हमें फाइंड करना है, और x2 की वैल्यू है 1 / 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू x + 1, और ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -4 - 1 = 3। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी प्रकार से y फाइंड करेंगे, तो y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 + y2 / 2। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है -3, y1 हमें फाइंड करना है, और y2 दिया गया है 4/2। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 = 6, -6 इज इक्वल टू y1 + 4। देखो यहाँ पर -6 है और ये +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा इज इक्वल टू y1, तो y1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -10। कितनी आ जाएगी, -10। तो यहां पर एक लाइन हम राइट कर सकते हैं, हेंस द रिक्वायर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफ ए इज 3, -10। कितना हो जाएगा, 3, -10 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।